और जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम है बसंत, प्रकरण दादी माँ। जैसा कि हमने दादी माँ पाठ का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आप लोगों के सामने ये प्रश्न प्रस्तुत किए। प्रश्न नंबर 2, दादी की दादा के मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? पिता ने दादा के श्राद्ध पर काफी धन खर्च कर दिया था तथा मित्रों ने धोखा दिया था जिससे दादा की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव, हृदय की कोमलता और सबके प्रति उनका स्नेह भाव का पक्ष हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है। उनका लेखक के समीप बैठकर देखभाल करना, रामी की चाची का कर्ज माफ करना तथा घर की आर्थिक समस्या के लिए कंगन देना, उनके इन्हीं कार्यों से ही वे दूसरों का मन सदा जीतने में सफल रहे। एक बार फिर से देखेंगे, दादी माँ के हृदय की कोमलता और सबके प्रति उनका स्नेह भाव का पक्ष हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है। उनका लेखक के